आज हम हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में, और आप देख सकते हैं हमने गेट नंबर 4 से एंट्री करी है। भैरव रोड से 80 रुपये की टिकट है वीकडेज में, वीकेंड्स पे थोड़ी महंगी हो जाती हैं। और यहाँ पे एंट्री है, और आज हम देखते हैं, हम 6 साल बाद आए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि और क्या क्या, इसको ट्रेड फेयर कहते हैं। और इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ का पवेलियन लगता है, स्टेट्स का भी लगता है, हैंडीक्राफ्ट से लेके यूनिक चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी होती हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं। साल में बस एक बार ही लगता है, 5-6 डेज के लिए आम पब्लिक के लिए खुलता है, बाकी 5-6 डेज बिजनेस के लिए होता ही है यहाँ पे। तो हम कनेक्ट करते रहेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IIFT, देख सकते हैं यहाँ पे GST और कस्टम पवेलियन है। तो यहाँ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है पॉलिसीज वगैरह, उसका डिस्प्ले हुआ है। ये आयुष्मान भवन, आयुष्मान भव, या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं किस किस पवेलियन में क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट या कंट्रीज का क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। देख सकते हैं यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के पवेलियन है। RBI कहता है वित्तीय अनुशासन चिंता मुक्त जीवन। तो यहाँ गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग, यहाँ आयकर विभाग है आगे। एवरी टैक्स पेयर इज अ नेशनल बिल्डर, नेशन बिल्डर, आयकर विभाग, सारी पवेलियंस बनी हुई हैं। पवेलियन में देख सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग ऑप्शंस, लेडीज, हैंडीक्राफ्ट्स, देख सकते हैं काफ़ी लेडीज आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे टॉयज, वुडन टॉयज, इस तरफ गारमेंट्स हैं। हम रुके, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप है हैंडीक्राफ्ट्स की, और वुडन टॉयज है यहाँ पे, यू कैन सी कितने अच्छे अच्छे टॉयज हैं यहाँ पे। बहुत सारे टॉयज हैं, ब्यूटीफुल, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे ब्रास के मटेरियल्स हैं। एक टॉय शॉप है, कैसे चलता है ये? यहाँ एक सेल लगता है इसके अंदर। अच्छा, एक मूव होता है वो सारा मूव करेगा, ब्यूटीफुल। हम देख सकते हैं कितने सारे टॉयज हैं, इनोवेटिव टॉयज, और ये बहुत मस्त चल रहे हैं। अभी हम पहले ही पवेलियन में हैं और हमारी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। रुद्रांश जी की टॉयज,
हैंडीक्राफ्ट्स के बैग, बकेट्स, ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शॉल, साड़ीज, दुपट्टा, बहुत सारी दुकानें। पर पहले तेरा पानी का उसमें काम बताया था, देख सकते हैं यहाँ कृषि के लिए ड्रोन की प्रदर्शनी लगी हुई है और कितना बिग साइज का ड्रोन है यूज, उससे दवा का छिड़काव, देख रेख और बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे उपकरण हैं यहाँ, जितने भी पवेलियन हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखेंगी। एक मैजिशियन भाई साहब हैं, अपनी मैजिक दिखा रहे हैं। PNB के पवेलियन में पूरा ड्राई फ्रूट है अफगानिस्तान का, आप देख सकते हैं झंडा है, ये लोग हैं, देखने में देखते हैं खादी इंडिया का बहुत बड़ा चरखा लगा हुआ है और ये पूरा पवेलियन खादी इंडिया का है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, उससे बनाया है। खादी इंडिया के अंदर ये हमारे गांधी जी, रुद्रांश परेशान हैं, इनको टॉय मिल गया है तो अब घर जाना है, मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचा सकते हैं, गांधी जी हैं यहाँ, मोदी जी हमारे, प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे सारे। भागलपुर के चादर, साड़ियाँ, मधुबनी की पेंटिंग्स, ये भी भागलपुर का ही है, भागलपुर। ये उत्तर प्रदेश का पवेलियन है, तो हम यूपी से हैं तो थोड़ा यूपी का भी देखें। एक्सप्रेस वे दूसरा पवेलियन हमारा, पहला बिहार था, दूसरा हम यूपी में आए हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स। बहुत लंबा है, सारा घूम पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ नई टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
आ गए हैं हॉल नंबर वन में। कहाँ है? एक नंबर पे बताया, जम्मू कश्मीर का पवेलियन है इसमें। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं सारे। वहाँ की वूलन बहुत फेमस है, लोग बहुत खरीदते हैं। इधर झारखंड का पवेलियन है, इनके प्रोडक्ट्स होंगे। जम्मू कश्मीर इधर चल रहा है। बेस्ट पार्ट है ट्रेड फेयर का कि आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स और बहुत सारे स्टेट के प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ लोक नृत्य की तैयारी होते हुए, ये लोग झारखंड के लोक नृत्य की तैयारी करते हुए, वहाँ की वेशभूषा, आदिवासी वेशभूषा। भगवान बिरसा मुंडा, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, भगवान की उपाधि दी गई है, उनका स्टैचू लगा हुआ है। वो झारखंड से ही आते थे और यहाँ पे बहुत सारे कलाकार लोक नृत्य की तैयारी करते थे। तो हम आ गए हैं महाराष्ट्र के पवेलियन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल गेट बनाया हुआ है। इसकी तो यही खूबसूरती है ट्रेड फेयर की कि यहाँ पे आपको हर जगह की चीज़ें, कल्चर, वहाँ के प्रोडक्ट्स, वहाँ के लोग, वहाँ का जो भी लोकल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हर जगह वसुदेव कुटुंबकम का को जागृत करते हुए महाराष्ट्र के पवेलियन में। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सजाया हुआ है, महाराज शिवाजी महाराज का दरबार है ये। और फिर अब हम महाराष्ट्र की प्रोडक्ट्स देखेंगे कि जो भी चीज़ें होती हैं। महाराष्ट्र का पवेलियन देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्टेड नारियल के जो छिलके होते हैं उससे बनाया हुआ ये गणेश जी हैं। ये देखिए ये चिड़ियों का घोंसला कितना ब्यूटीफुल है। Yeah.
हाइट बढ़ाओ। इतना मोटा सोल है, इसके साथ हाइट बढ़ा सकते हैं आप, तो आइए और लेके जाइए। 1200 दे रहा चटनी मेरी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक चीज़ें हैं, और इतना कुछ एक छत के नीचे पूरे दिन में तो आप घूम नहीं पाएंगे। तोता ब्रांड हिंग, बहुत सारी चीज़ें एक छत के नीचे एक दिन में तो नहीं घूम पाएंगे, बट हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कोई भी परचेज कर सकता है, देख सकता है। आनंदा डेयरी है उधर, नज़ीर का भी बोर्ड दिखा रहा है। पवेलियन में, और ये कर्नाटका का है। कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं वुडन पे, काफ़ी बड़ी है ये। अब हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं नागालैंड के पवेलियन में। देखते हैं इनका क्या कल्चर है। वुलन कपड़े जाते हैं यहाँ पे ट्रेड फेयर की, कि आप दिल्ली में बैठ के सारे स्टेट के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो एक जगह पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये असम है, इधर आ नागालैंड। ये गोवा का पवेलियन है। गोवा जनरली लोग ये सोचते हैं कि बस गोवा घूमने के लिए जाना है, बीचेस के लिए, बट आप देख सकते हैं गोवा के प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे नारियल से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे वूलन प्रोडक्ट्स भी हैं, क्लॉथिंग बच्चों के लिए भी हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ है, सारे स्टेट्स में कुछ है। यहाँ आके पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं, कल्चर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं। अंदर में अंडमान निकोबार भी है, लद्दाख के प्रोडक्ट हैं। सो यहाँ पे हर छोटी छोटी बड़ी स्टेट्स ये प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तेलंगाना उधर सामने दिख रहा है, आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स दिखेंगे जो जनरल मार्केट में नहीं दिखता, ये अफगानिस्तान वाले लेके आते हैं।
बहुत सारे पेविलियन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, कुछ क्लिप्स ले लेते हैं। जयपुरी रजाई है। हम कुछ हॉल्स फाइनली कुछ हॉल्स विजिट करके आ गए हैं। अभी देखिए, अभी इसका काफ़ी रिनोवेशन हुआ है G20 में और बहुत बड़ा एरिया बना दिया है। पहले स्पेस कम था, अभी छोटे छोटे पेविलियंस होते थे, अभी बहुत बड़े बड़े पेविलियंस बना दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप किया है। पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है इसको नए तरीके से, काफ़ी बड़ा एरिया डेवलप कर दिया है। वैसे भी एक दिन में तो ट्रेड फेयर आप घूम नहीं पाएंगे, कितने पेविलियंस हैं कि आप थक जाओगे, बट ठीक है, जितना कवर कर सकते हैं करिए। हम 5-6 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो छोटे छोटे पेविलियंस हुआ करते थे स्टेट वाइज और रोड भी कंजस्टेड था, काफ़ी भीड़ होती थी। अभी इन्होंने काफ़ी ब्रॉड कर दिया G20 के अकॉर्डिंग, जब इन्होंने डेवलप किया इसको तो काफ़ी ब्रॉड कर दिया, काफ़ी बिग साइज़ में बना दिया।